तुम्हारा ओसी का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक करके तुम आंसर देते जाओगे। सबसे पहले डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डैश ट्रांसपोर्ट। रोड रोड ट्रांसपोर्ट। दूसरा डैश क्रिएट टाइम यूटिलिटी। बोलो डैश क्रिएट टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउस। डैश वेयरहाउस प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज। कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। डैश पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल व्हाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पोर्ट रिस्क, वॉयज और फ्लोटिंग। बोलो, बताया था मैंने वो टाइप ऑफ पॉलिसी पोर्ट रिस्क पॉलिसी है। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। इंडेमनिटी। यस, इंडेमनिटी। नंबर वन मैच द पेयर्स। ए एयर ट्रांसपोर्ट। बोलो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वेयरहाउसिंग। टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट मनी रेमिटेंस। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर या एक जगह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड पैसा भेज सकता है। वेस्टर्न यूनियन में भेजने वाले को चार्ज लगता है। मलेशिया से तुमको इंडिया में पैसा आ रहा है तो मलेशिया वाला चार्ज लेगा 15,000 रहा तो 1,500 रुपए लेगा। यहाँ पे तुमको चार्ज भरने की जरूरत नहीं पड़ती। नासिक में काफी जगह पे है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पेट्रोलियम एंड गैस। पेट्रोलियम एंड गैस। बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस। बोलो इंटेंजिबल इन नेचर।
टर्म और अ फ्रेज बोलो. These warehouses are owned, managed, and controlled by central and state governments or public authorities. Bolo fatafat. Government warehouse. Government warehouse. Second number. An art of exchanging ideas, facts, information from one person or entity to another. So, what is that? Communication. Communication. A rail system in which the track consists of a single rail or a beam. एक monorail है, बहुत बढ़िया है system है. Single rail पे ये चलता है. आई थिंक मुंबई में मोनोरेल का काम हुआ या चालू हो गया है. बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है. ऐसा लगता है कि ट्रेन हवे में झूल रही है लेकिन वो सिंगल बीम पे चलता है. और ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज टू कैरी पेट्रोलियम एंड गैसेस. पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट. और लास्ट में a ministry who looks after the development of service transport throughout country. Ministry of Road. इसका हेड है नितिन गडकरी. बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. State whether the following statements are true or false. Business services are important for the growth of business. True. Current account is opened by salaried persons. Current account is opened by salaried persons. False. False. NEFT stands for National Electric Fund Transfer. True. है कैसे true है? नहीं सर, sorry, false है. False. क्यों false है? Electric नहीं, electronic है वो. ठीक है. Air transport is cheapest mode of transport. इतना time लोगे तो कैसे चलेगा? Air transport is cheapest. False है. The internet is a global system of interconnected computer networks that use the internet protocol suite to link devices worldwide. True. Bolo. क्या आंसर है? एक्सचेंज बैंक. एक्सचेंज बैंक. नेक्स्ट, नाबार्ड आरबीआई स्टेट बी एक्सिम. RBI. Direct mail, logistics post, business post, parcel. Common parcel. Take it. Last, endowment policy, whole life policy, money back policy, blanket policy. Blanket policy.
Sure, next, complete the sentences. The term bank comes from the French word. Banking. Banco. Dash. Dash warehouse provides facilities for perishable commodities. Cold warehouse. In Dash policy, several ships belonging to one owner are issued under the same policy. Fleet. Dash banking refers to the use of banking services with the help of mobile phones. Mobile banking. चलो बोलो पहला आरटीजीएस दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स तीसरा रिकरिंग डिपॉजिट चौथा अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ कंट्री एपेक्स मीन्स टॉप टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एमएसएमई कौन सा है सिडबी अगेन ये तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद ये ठीक से जमेगा व्हाट इज डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो कैश के बजाय यूज किया जाता है मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में सब्जेक्ट मैटर इन इंश्योरेंस वो है जिसका तुम इंश्योरेंस करा रहे हो मोटर इंश्योरेंस में गाड़ी होगी शिप मरीन में शिप या कार्गो होगा उसको सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं और खुद का लाइफ रहा तो अपना लाइफ सब्जेक्ट मैटर गवर्नमेंट वेयरहाउस वो वेयरहाउस है यहाँ पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मालिक है उस वेयरहाउस का एयर ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एरोप्लेन्स के थ्रू हेलीकॉप्टर्स के थ्रू कार्गो एयरक्राफ्ट के थ्रू पैसेंजर और कार्गो को लेके दिया जा सकता है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट आइडियाज ओपिनियंस इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन उसके काफी जरिए है चलो नेक्स्ट लो ऑर्डर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर करेक्ट करो इसको करंट सर्विसेज आर टेंजिबल इन नेचर इंटेंजिबल इन नेचर Sorry, insurance helps to maximize the risks in the business. Minimize. Correct. The foreign bank is the apex financial institution in banking industry in the country. Central bank. RTGS stands for reasonable time gross settlement. आर मतलब हमेशा रियल रियल बोलो पहले क्या होगा
टेकिंग द पॉलिसी, पहले टेकिंग द पॉलिसी होगा, फिर होगा एक्सीडेंट, फिर डालोगे क्लेम, फिर होगा कॉम्पनसेशन लास्ट में. नेक्स्ट, ईमेल, इनलैंड लेटर, कुरियर. सीक्वेंस में पहले क्या आया? पहले आया इनलैंड लेटर, फिर प्रोग्रेस हुआ कुरियर में, और आजकल ईमेल चलता है. करेक्ट. अभी हम केस में आ रहे हैं. मिसेस हर्षालिया स्टार्टेड न्यू बिजनेस 2 years अगो. हर कस्टमर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड हेंस दे आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग बिल अमाउंट इन हर बिजनेस अकाउंट. एट द सेम टाइम शी यूज्ड टू पे वेरियस पेमेंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली. आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय मिसेस हर्षालिया. बोलो क्या है? कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? करंट अकाउंट. जो टाइप ऑफ अकाउंट है हर्षाली का बिजनेस है, तो सीधा हिसाब है कि करंट अकाउंट होगा. करेक्ट. चलो बी में आए हम लोग. सेम केस सेम है. सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर टू मिसेस हर्षाली. कौन सा मॉडर्न वे है? हाँ बोलो. आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है. सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी 2 लाख के अंदर ये यूज करते हैं. 2 लाख के ऊपर आरटीजीएस यूज होता है. चलो नेक्स्ट. सी व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डज शी गेट ऑन हर बैंक अकाउंट. करंट अकाउंट पे क्या फैसिलिटी मिलेगा बताओ? बैंक ओवरड्राफ्ट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी उसको मिलेगा. देखा जाए तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ही है ये केस. मिस्टर अभी ये अलग केस है. मिस्टर जगन इज सैलरीड पर्सन. ही वांट्स टू टेक पॉलिसी फॉर हिज 2 children which assures them protection as well as completes their financial needs once they become major by major मतलब 18 साल के हो गए तुम. तो मिस्टर जगन चाहता है बच्चे लोग जब 18 साल के हो गए तो उनके फाइनेंशियल नीड्स पूरे हो, तो कौन सा पॉलिसी निकालना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा पॉलिसी? पार्ट तुम ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तुमको समझ में आता है, फील हो रहा है, तुम घर पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा है. नेक्स्ट. हु आर बेनिफिशियरीज ऑफ पॉलिसी. किसको बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी का? सीधा हिसाब है पॉलिसी का बेनिफिट बच्चों का पॉलिसी, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? चाइल्ड इंश्योरेंस, चाइल्ड को. चिल्ड्रन को पैसा मिलेगा. इन अ केस विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व? कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? आना चाहिए तुमको आंसर. इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. आखिर का केस. मिस्टर शरण इज अ सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर. ही इज हैविंग प्रोडक्शन यूनिट्स एट वेरियस लोकेशंस. ही इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट्स. उसके पास लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स है, फिनिश गुड्स. ही इज वरीड अबाउट सेफगार्डिंग गुड्स फ्रॉम एनी अनवांटेड फाइनेंशियल लॉस. ही ऑल्सो रिक्वायर्स टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर बट डज नॉट हैव फैसिलिटी फॉर दैट. ही ऑल्सो रिक्वायर्स फंड्स फॉर एक्सपेंशन. Name the service which will help him to safeguard goods from any damage. What is it? Warehousing. सीधा बात है. उसको damage से बचाने के लिए उसको क्या लगेगा?
वेयरहाउसिंग वेयरहाउसिंग Which service will help him to remove difficulty of place? So, difficulty of प्लेस के लिए क्या रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन, जिस जगह पे जो वस्तु नहीं है उस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाएगा. सो ट्रांसपोर्टेशन विल हेल्प टू रिमूव डिफिकल्टी ऑफ प्लेस. फ्रॉम विच सेक्टर ही विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट? बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर उसको कर्जा देगा. चौथा, मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन. ही हैज हिज ओन फैक्ट्रीज इन पुणे एंड नासिक. ही लिव्स इन पुणे विद हिज वाइफ एंड टू डॉटर्स एज 5 एंड 8 इयर्स. कैन मिस्टर अमित, 5 मिनट ठीक है, 5 मिनट्स रुक जा प्लीज. Okay. So can Mr. Amit take a life insurance policy for his wife and 2 children? बोलो, क्या वो life insurance policy निकाल सकता है? Yes, sir. आराम से पूरे family का निकाला जा सकता है, कोई problem नहीं. क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रूवन है, उसकी वाइफ और 2 children है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला जा सकता है. ओके, मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन. कैन मिस्टर अमित टेक अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्रीज? यस सर. किसने जवाब दिया ये मुझे बताओ? फैक्ट्री क्या उसके समुद्र में? सोच के जवाब दो. फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस है, समुद्र के लिए और नदी के लिए मरीन इंश्योरेंस होता है. फैक्ट्री का कहां से मरीन इंश्योरेंस निकालेगा? लास्ट का, Which type of insurance should Mr. Amit take for protecting his factory from loss due to fire? कितना easy है बोलो? Fire insurance का उसको policy निकालना पड़ेगा, अलग अलग policies में से चुनना पड़ेगा जो उसके लिए suitable हो. So यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म होता है.